इनके लिए उनमें बहुत सिंपैथी है, बट हम मुस्लिम मुसलमानों पर नहीं है। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमने ना तो गवर्नमेंट का कुछ बिगाड़ा है, ना तो अमित शाह का खुद का कुछ बिगाड़ा है, तो उनको क्या दुश्मनी क्या है मुसलमानों से? और एक बात, वो जनता कोर्ट पर कहते हैं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं करता। अरे भाई, तुम तो हमारे पर सिंपैथी नहीं है, हमारे भाइयों को मारा जाता है, तुम पूछते भी नहीं। एक्सप्लोडिंग मुस्लिम, तुम्हारा बिल है एक्सप्लोडिंग मुस्लिम, ये क्यों है? तो फिर इफ दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, देन व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेशन? यू वांट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? टू डू ऑल दिस थिंग एंड यू स्टिल से आई वॉन्ट टू एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो व्हाट वी वॉन्ट टू नो व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन? नेक्स्ट हमने हम काबरी मस्जिद पर, जो हम कभी नहीं भूल सकते, हमारा वार्डिंग था, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके उनको अप्रोच करते हैं, हमें जस्टिस चाहिए, जो कि हमारे बाबरी मस्जिद को तुम लोग तोड़े हो। तोड़ने का मतलब, द वर्ड डेमोलिश हैज अ ऑपोजिट वर्ड, व्हाट इज द वर्ड ऑफ व्हाट इज द ऑपोजिट फॉर डेमोलिश? इट इज टू बिल्ड, इट इज टू क्रिएट, राइट? व्हेन वी हैव ऑपोजिट फॉर डेमोलिश इज टू बिल्ड, देन हु आर यू, हु आर यू टू स्टॉप? हम लोग कुछ भीख मांगने नहीं गए थे, 5 एकड़ की जमीन की भीख मांगने नहीं गए थे हम तुम्हें। हम क्यों गए थे? हमारा मस्जिद तुम तोड़े हो, वो बंद कर दो हमें, हमें 5 एकड़ जमीन के, ना तो हम मुसलमान कभी मोहताज है, ना तो कभी रहेंगे। क्योंकि जमीन की मोहताज वो लोग होते हैं जिनको जीने की जरूरत है। हम तो इसी मिट्टी में बैठे हुए, उसी मिट्टी में दफन।